आखिर क्या है गुड बैड अगली, क्यों लिया गया इसमें प्रेमलू स्टारर को। अजीत कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म विदमुआर्ची में बिजी हैं। बीते कुछ समय पहले एक्टर ने अपनी फिल्म गुड बैड अगली की अपडेट शेयर की थी। एक्टर अपनी नई फिल्म के लिए डायरेक्टर अधिक रविचंदन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। वे जल्द ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट गुड बैड अगली पर काम शुरू करेंगे। मेकर्स ने कुछ समय पहले फिल्म का पहला पोस्टर और टाइटल लॉन्च किया था, जिसमें अजीत अधिक रविचंदन की फिल्म गुड बैड अगली में ट्रिपल रोल निभाएंगे। अजीत तीन किरदार निभाएंगे जिस पर चर्चा पहले से ही है। अजीत फिल्म में तीन अलग अलग लुक में होंगे। सॉल्ट एंड पेपर वाले लुक के अलावा अजीत काले बालों के साथ एक युवा लुक में नजर आएंगे और कुछ पार्ट्स में वे पोनीटेल के साथ भी नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि डायरेक्टर अधिक रविचंदन ने अजीत के लिए टफ कैरेक्टर तैयार किया है। वही प्रेमलू स्टार और नासलेन को गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में एक महत्वपूर्ण रोल के लिए चुना गया है। चर्चा से पता चलता है कि आदिक ने अपनी लास्ट ब्लॉकबस्टर मलयालम हिट फिल्म प्रेमलू के बाद इस फिल्म में नासलेन को शामिल किया है। ऐसा लगता है कि आदिक की नजर पैन इंडिया रिलीज पर है। यही वजह है कि वे अपनी फिल्म के लिए बाकी रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स को शामिल कर रहे हैं। वहीं तेलुगु एक्टर सुनील को भी फिल्म में लिया गया है। तमिल ब्लॉकबस्टर जेलर में अपने कैरेक्टर के लिए क्रिटिक्स की तारीफ पाने वाले सुनील गुड बैड अगली में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाने के लिए तैयार है। हालांकि टीम ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन पहले बताया गया कि एक्ट्रेस सिमरन और मीना को गुड बैड अगली में कास्ट किया जाएगा। सिमरन है जो काफी ज्यादा मूवीज में काम कर चुकी हैं और कई हिट फिल्मों में अजीत के साथ अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। वहीं 24 साल के गैप के बाद फिर से एकात साथ काम करेंगी। इसी तरह मीना जो अजीत के साथ अन्यथा मूवीज में काम कर चुकी हैं, वो भी उनके साथ 22 साल बाद आदिक के प्रोजेक्ट में उनके साथ फिर से काम करेंगी। इसके अलावा टॉलीवुड की उभरती हुई स्टार श्री लीला के भी इस फिल्म से तमिल में डेब्यू करने की अफवाह है। देखते हैं क्या होता है। फिल्म में एक एक्टर प्रेमलू को लिया गया, जो प्रेमलू स्टार नासेलन को गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। चर्चा से पहले पता चलता है कि आदिक ने अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर मलयालम हिट फिल्म प्रेमलू के बाद युवा प्रतिभा को शामिल किया था। ऐसा लगता है कि आदिक की नजर अखिल भारतीय रिलीज पर है। यही वजह है कि वह अपनी फिल्म के लिए अन्य भाषाओं में फिल्म को उस तरीके से निकाल रहे हैं और उस तरीके से सितारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जॉनर की बात करें तो गुड बैड अगली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म का म्यूजिक नेशनल अवार्ड विनर देवश्री प्रसाद द्वारा बनाया गया है। वहीं सिनेमाटोग्राफी अभिनंदन ने की है और एडिटिंग का काम विजय द्वारा किया जाएगा। फिल्म का प्रोडक्शन नवीन ने माइथ मूवीज के बैनर तले किया है। फिल्म पोंगल 2025 के दौरान रिलीज होने वाली है, क्योंकि पोंगल को तमिलनाडु में फिल्म रिलीज के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो इसीलिए चर्चा है कि शंकर द्वारा निर्देशित कमल हसन की फिल्म इंडियन 3 भी पोंगल के आसपास ही रिलीज की जाएगी। वहीं दूसरी जगह रामचरण की गेम चेंजर अगले साल जनवरी में रिलीज होने की उम्मीद है। तो ये तीन साउथ स्टार्स का बड़ा क्लैश साबित होगा। वेल, आपको कौन सी फिल्म से चीनी उम्मीदें हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828800888।